एक बार फिर से आप सभी का सीएसएम क्लास में स्वागत है। मैं अमन सिंह, हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 मैथ एक्सरसाइज नंबर 5.5, जिसके कुछ क्वेश्चन हमने पीछे की वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं या पीछे की क्लास में हमने सॉल्यूशन देखा है। इस क्लास में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 3 में हमें दे रखा है, सबसे पहले क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं। वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स। हमें पता है जब फंक्शन की पावर फंक्शन होती है तो किससे सॉल्व होता है, लॉग से। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड वाई का हो जाएगा लॉग वाई। हमें पता है लॉग के अंदर पावर आ गया जाती है और जो बाकी फंक्शन है वो लॉग के अंदर चला जाता है। फॉर्मूला किसका लगा है, लॉग एम की पावर एन। तो क्या होता है, पावर आगे आ जाती है फंक्शन ऐसे कैसे रहता है लॉग। हम डिफरेंशिएट करते हैं इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले लॉग का होगा 1/2, जो भी उसके आगे वाई, 1/y हो गया, वाई का डीवाई बाय डीएक्स। यहाँ यू इंटू वी लगेगा, यू ऐसे कैसे, वी का करेंगे तो सबसे पहले इस लॉग का होगा 1/2, जो उसके आगे है, फिर इस अंदर वाले लोग का होगा 1/x, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन है। फिर प्लस, अब लोग लोग एक्स ऐसी कैसी, कोस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस की साइन एक्स। कोस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस की साइन एक्स। यहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई मल्टीप्लाई में जाएगा लोग एक्स। तो है वाई की, वाई का मान रखते हैं मैंने, लोग एक्स की पावर कोस एक्स। यहाँ बच गया cos x upon x log x माइनस के sin x log log x। ये हमारा क्या आ गया सॉल्यूशन। फॉर्मूला सिर्फ इसमें ये लगा है log का, कि log के अंदर फंक्शन की जो पावर होती है वो log के बाहर आ जाती है। ठीक है, करते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमें दिख रहे हैं दो टर्म प्लस माइनस में दे रखी है, माइनस में सॉरी मल्टीप्लाई में होता तो डायरेक्ट लॉग लेके कर लेते, लेकिन जब प्लस में हो या माइनस में होता हमें अलग अलग टर्म को अलग अलग मान के फिर सॉल्व करना पड़ता है। तो हम क्या करें, सबसे पहले क्वेश्चन 4 की बात कर रहे हैं ना, इसमें क्या कर रहे हैं, यू को मान लिया एक्स की पावर एक्स और वी को मान लिया 2 की पावर साइन एक्स। तो जो ये y है वो किसके इक्वल्स टू हो जाएगा, y इक्वल्स टू यू माइनस के वी। डिफरेंशिएट करते हैं, dy by dx इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। जो भी इक्वेशन नंबर 2 हमें इसमें सॉल्यूशन में मान रखना है, डी यू अपॉन डी एक्स निकालेंगे फिर डी वी अपॉन डी एक्स। सबसे पहले u बराबर लिखते हैं x की पावर x, फंक्शन की पावर फंक्शन है, दे रखा है फंक्शन की पावर फंक्शन, इसलिए log u इक्वल्स टू पावर आगे आ जाएगी log x, log का 1/2 और फिर u का du अपॉन dx। यहाँ क्या हो गया, u इंटू वी लग गया मल्टीप्लाई रूल, तो u ऐसे कैसे, v का 1/x, फिर v ऐसे कैसे, u का क्या हो जाएगा x के, x के रिस्पेक्ट में 1। तो मेरे पास आ गया du अपॉन dx बराबर, ये u, u की वैल्यू क्या x की पावर x, ये कैंसिल हो गया तो 1 प्लस log x। ये कैसे है, ये डिवाइड में था तो इधर इस पूरे के मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यू का मैंने मान रख लिया है 1 प्लस log x ही, ये आ गया डी यू अपॉन डी एक्स का मान। ऐसे किसका निकालते हैं, वी इक्वल्स टू 2 की पावर साइन एक्स, लॉग ले लेंगे लॉग वी इक्वल्स टू पावर आगे फंक्शन लॉग वी, 1/v इंटू वी का डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ ध्यान क्या रखना है, फंक्शन कितने वेरिएबल, वेरिएबल में सिर्फ एक फंक्शन है, क्या है साइन एक्स, लॉग को क्या है कॉन्स्टेंट, क्योंकि उसमें एक्स है नहीं, तो लॉग को ऐसे कैसे साइन एक्स का कोस एक्स। तो डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर साइन एक्स कोस एक्स लॉग 2। ये दोनों मान समीकरण किस में रख देंगे, दो में, डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स का। तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, log
यहाँ पे माइनस दे रखा है, माइनस टू की पावर साइन एक्स कोस एक्स लॉग टू, जो कि हमारे क्वेश्चन का क्या है सॉल्यूशन। समझ में आ गया वो क्वेश्चन, फॉर्मूला कुछ नहीं लगा, बस ये लॉग के लगे हैं। लॉग का फॉर्मूला होता है वन अपॉन जो भी लॉग के आगे, फिर उसका करते हैं फंक्शन टू फंक्शन वाले रूल से। आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह से, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।